प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के 137वें बलिदान दिवस पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। राज्यपाल मिश्र ने इस अवसर पर महर्षि दयानंद सरस्वती को प्रेरणा पुंज का करार देते हुए उनकी शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात करने पर जोर दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने MDS विश्वविद्यालय में आयोजित सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महर्षि दयानंद सरस्वती विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल मिश्र ने महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन से प्रेरणा लेने की बात करते हुए उनके जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डाला। राज्यपाल ने महर्षि के जीवन को प्रेरणा पुंज का करार देते हुए उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने की जरूरत पर बल दिया। देखिए, आज महर्षि दयानंद सरस्वती शोध विद्यापीठ की तरफ से एक राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई और राष्ट्रीय गोष्ठी के उद्घाटन के लिए मुझे यहाँ के कुलपति ने आमंत्रित किया था, उसमें मैं आया हूँ और जो बोलना था वो मैं बोला हूँ, उसको दोहराने का कोई औचित्य नहीं बताया मुझे। लेकिन इतना मैं अवश्य समझता हूँ कि इस गोष्ठी में बड़े विद्वान और चिंतक विचारक ऐसे लोग आए हुए हैं और निश्चित रूप से विभिन्न सत्रों के माध्यम से कुछ न कुछ उसमें से नई चीज निकलेगी जो विद्यार्थियों के लिए भी और सामान्य जन के लिए भी मार्गदर्शन का काम करेगी। इस अवसर पर आयोजित समारोह को आर्य वेदांत स्वामी प्रवेणानंद सरस्वती व आचार्य सत्यजीत ने भी समारोह में शिरकत की। समारोह में अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी, महापौर धर्मेंद्र गहलोत भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी दी कि आगामी 4 नवंबर को राजभवन में कुलपति मनवी समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ उच्च शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा के साथ ही विश्वविद्यालयों में स्टाफ की कमी को दूर करने पर भी चर्चा होगी। दयानंद सरस्वती जी का जिस प्रकार का जीवन रहा है, संघर्षपूर्ण रहा है, चुनौतियों के साथ जूझने का रहा है, अनंत शक्ति का बोध करते हुए आगे बढ़ने का रहा है, चरैवेद 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 इस मंत्र को अपने जीवन में आचरित करने का रहा है, उसी के अनुरूप विचार होगा समाज के अंदर जो इस समय कुरीतियाँ विकृतियाँ इसको भी, और शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियाँ हैं, पिछड़े हैं, विपन्न हैं, अभावग्रस्त हैं, ऐसे लोगों को भी इस ढंग से शिक्षा की दृष्टि से उनको संपन्न किया जाए, इस पर भी ये विचार होगा ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। ये सारी चीज़ों पर विचार हम कर रहे हैं और 4 नवंबर को हमने सभी कुलपतियों की मीटिंग बुलाई है, उसमें चर्चा होगी। और ये बात सही है कि जब तक रिक्तियों की पूर्ति नहीं होगी तब तक ढंग से जैसे विद्यार्थियों को शिक्षित करना चाहते हैं नहीं हो पाएगा, उसको कैसे ठीक किया जाए देखा जाएगा। कुछ प्रोसीजरल दिक्कतें जाती हैं, डिले उसके कारण होता है, वो प्रोसीजरल दिक्कत कैसे दूर हो इसके भी करेंगे।